नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने बच्चों के दिमाग को कंप्यूटर जैसा फास्ट बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं दोस्तों, आप चाहे तो अपने सोचने समझने की क्षमता को भी कंप्यूटर जैसा फास्ट कर सकते हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी इस धरा पर आई थी, अर्थात माता सरस्वती जी उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई थी। माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और दोस्तों, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं। आप लोग जरूर सुने होंगे, खजाना चोरी हो सकता है, धन की चोरी हो सकती है, लक्ष्मी जी चोरी हो सकती है। लक्ष्मी का मतलब है कि भौतिक सुख आपकी चोरी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी आपका विद्या धन जो आपका ज्ञान है उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार हम अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं। 14 फरवरी को माता सरस्वती जी का जो कि बसंत पंचमी है, पंचमी तिथि होने के कारण ये जो पंचमी तिथि है इस पर अच्छे शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। पंचमी तिथि का स्वामी भगवान लक्ष्मण को, भगवान बलराम को, नाग देवता महाराज को और पितरों को माना जाता है। और हाँ, जो पांचवें स्थान का अगर हम ज्योतिषास्त्र में देखें, अंक शास्त्र में देखें, तो पांचवा स्थान बुध का होता है, बुद्धि का होता है पंचमी तिथि। इसलिए दोस्तों, पंचमी तिथि के स्वामी बुध महाराज भी है और बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। इनकी बुद्धि बहुत तीव्र है, जिनके बुध मजबूत होते हैं ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, ऐसे व्यक्ति जल्दी अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को इसलिए आज की इस वीडियो को देखना है ताकि आप सब लोग जाकर के अपने घर में वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को ये उपाय बता देना या फिर आप स्वयं कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय से ना केवल आपकी बुद्धि बढ़ेगी बल्कि आपको यशस्वी की प्राप्ति होगा, आपको धन दौलत भौतिक सुख सभी प्रकार के संसाधन की प्राप्ति होगी। तो बारी बारी से बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा और एक मैं ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा। चूर्ण का मतलब है झड़ी, एक ऐसी झड़ी के बारे में बताऊंगा वीडियो के बीच में। जिस झड़ी को अगर आप अपने बच्चे को बसंत पंचमी के दिन खिला देते हैं तो दोस्तों, उनकी जो बुद्धि है कंप्यूटर जैसी फास्ट हो जाएगी, या फिर आपकी भी थोड़ा याददाश्त कमजोर रहती है, थोड़ा भूलने की नौबत आती है, तो आप भी जो है इस झड़ का छोटा सा टुकड़ा आप खा सकते हैं। आप जिस दिन खाएंगे बसंत पंचमी के दिन, उसके बाद देखना आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। और मैं जो ये जड़ के बारे में बता रहा हूँ, इस जड़ को खाने के बाद व्यक्ति के भाग्य उदय भी होता है। तो सबसे पहले बारी बारी से जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या करें। वीडियो में आगे जानकारी बताने से पहले दोस्तों, सभी लोगों से बस इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं होता। आधे अधूरे ज्ञान से ना आपको लाभ मिलेगा ना किसी भी प्रकार की सफलता मिलेगा। ज्ञान को पूर्ण से हासिल करना चाहिए। और तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को शांत मन से ग्रहण करते हैं। आधा अधूरा जब आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो इसमें आपको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं मिल पाता और आधा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। अभी तक वीडियो को लायक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। और दोस्तों, हमारे चैनल के साथ साथ आप सभी दर्शकों का परिवार है, आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप सब हमारे मित्र हैं, आप सब हमारे हितैषी हैं। तो जानते हैं आप यहाँ की बसंत पंचमी के दिन क्या करें। तो सबसे पहले, चाहे आप विद्यार्थी हो या ना हो, या फिर आप शिक्षक हो या फिर एक साधारण कुछ भी नहीं जानते, फिर भी सवेरे उठ करके इस दिन स्नान करें। बसंत पंचमी के दिन सवेरे उठ करके क्यों स्नान करना चाहिए? क्योंकि पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि एक तो पितरों का होता है, एक तो नाग महाराज का होता है, और एक जो पंचमी तिथि है ये बुध ग्रह का है कि बुध ग्रह अगर आपका मजबूत होता है तो सभी प्रकार के भौतिक सुखी प्राप्ति होती है। शनि से भी ज्यादा दोस्तों अगर खतरनाक देखे तो बुध ग्रह है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, ऐसे व्यक्ति को मान हानि होती है, धन की हानि होती है, और तंत्र क्रिया आपके ऊपर में ज्यादा लगने लगे तो समझ जाना आपका बुध कमजोर है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पंचमी तिथि माता सरस्वती को आप प्रसन्न करेंगे ही करेंगे, बुध महाराज भी प्रसन्न होंगे।
तो सवेरे उठ करके जल्दी स्नान करें। इसके बाद सफेद वस्त्र पहने। अगर आपके पास में धोती है तो बहुत सुंदर है, आप धोती पहन सकते हैं, धोती धारण करें। इसके बाद आपको करना क्या है, आप अपने घर की पूजन कमरे में जाए। सभी लोगों के घर में एक पूजन स्थान होता है, वहां पर जाए और एक चटाई या फिर आपके पास कोई आसानी है तो वो जो है बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाए और माता सरस्वती जी के बीज मंत्र एम माता सरस्वती जी का बीज मंत्र एम बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ये आप जप कीजिए। अगर इस दिन दोस्तों केवल आप 1 बार MB बीज मंत्र का जाप करते हैं तो 1 बार आप जाप करते हैं तो वही 1 लाख गुना के बराबर बढ़ करके आपको लाभ देता है। और मैं MBB मंत्र इसलिए जपने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो व्यक्ति MBB मंत्र का इस दिन जाप करते हैं उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है, उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधा भौतिक सुख और विद्या हासिल करते हैं। ये काम करना इस दिन माता सरस्वती को, अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते, देर से उठे हैं, तो माता सरस्वती को एक काम करना, सफेद पुष्प इस दिन जरूर भेंट कर देना। माता सरस्वती को अगर बसंत पंचमी के दिन सफेद पुष्प भेंट किया जाए तो माता सरस्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। सफेद पुष्प में जैसे कि सफेद गुलाब का पुष्प एम ये बीज मंत्र बोलते हुए माता सरस्वती को सफेद गुलाब का पुष्प भेंट कर देना और माता से प्रार्थना करना कि माता आप हमारी बुद्धि को तीव्र करें। बस इतना प्रार्थना करते हुए 5 अगर सफेद गुलाब का पुष्प भेंट कर देते हैं या फिर सफेद कमल का पुष्प, दोस्तों आप देखना आपकी बुद्धि कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मैं हवा हवाई बात नहीं बता रहा हूँ, प्रार्थना कीजिए इस दिन। और ऐसा भी बड़े बुजुर्गों का कहना है, ज्योतिषों में बहुत सारे ज्योतिष आचार्य उनका भी कहना है, माता सरस्वती जी को अगर बसंत पंचमी के दिन आम की जो मोर होती है जिसे हम आम का पुष्प बोल सकते हैं, छोटे छोटे आम के पौधे में पुष्प लगा होते हैं जिसे मोर बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में ये पुष्प अगर माता सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन भेंट किया जाए तो सहर्ष ही माता इसे स्वीकार करती है और बदले में आपकी बुद्धि को बढ़ाती है और आपको सभी प्रकार का विद्या धन देती है। दोस्तों जब आपकी विद्या बढ़ने लगती है तो धन की कमी नहीं होती, किसी ने किसी माध्यम से आप जो है धन कमाना शुरू कर देते हैं, सभी दिशाओं से आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। आप जानते हैं भैया बसंत पंचमी के दिन क्या करें, क्योंकि हमारे चैनल में आप सब लोग बोर हो चुके हैं कि गुरुजी कुछ भी जानकारी देते जा रहे हैं, मैं इसलिए इस प्रकार की गुप्त जानकारी भी बता रहा हूँ। अभी मैं कुछ बताऊंगा झड़ के बारे में, जो झड़ आप खाएंगे आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत तीव्र होगी। तो इस दिन क्या करने से बचे, तो बसंत पंचमी के दिन जीव हत्या मत करना, किसी पर हिंसा मत करना और जो लोग शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, बहुत सारे हमने स्टूडेंट को देखा है जो कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो इस दिन भूल करके ना करना। आप जानते हैं भैया कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं उनके ऊपर माता सरस्वती जी हमेशा मेहरबान रहे, तो ऐसे व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन क्या पहने, और ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बहुत सारे लोग हमसे कमेंट भी किए हैं कि हम माता सरस्वती को सिद्ध करना चाहते हैं, माता सरस्वती जी को सिद्ध करने के लिए हम क्या धारण करें। तो अगर आप भी माता सरस्वती जी को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप जो है चांदी का जो वीणा आता है दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आप जो है गंगा जल में 2-3 घंटे डुबा दीजिए। डुबाने के बाद आप जो है अगरबत्ती या धूप का धुआं दिखा करके चांदी का जो वीणा है वो धारण करें। चांदी का वीणा धारण करने के बाद व्यक्ति की बहुत ही जल्दी अध्यात्म उन्नति होती है, किस्मत चमकती है, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे अगर हमें चांदी का वीणा ना मिल पाए तो हम क्या धारण करें। तो अगर आप जो है चांदी की वीणा आपको मिल नहीं पा रहा है तो मयूर का पंख चांदी का बना हुआ आता है, किसी भी ज्वेलर के पास में जाए या फिर जो लोग आकृति बनाते हैं उनके पास में जाए, कलाकृति करते हैं उनके पास में जाए और चांदी का मोर पंख बनवाए और आप अपने बच्चे को धारण करने के लिए बोले या फिर स्वयं धारण करें। एक तो चांदी का मोरपंख धारण करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में भी इसका उल्लेख है, अगर चांदी का मोरपंख धारण करते हैं तो व्यक्ति को आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। अगर आपका बुद्ध बहुत ही कमजोर है वो बुद्ध मजबूत हो जाते हैं,
चांदी का मोर पंख धारण करने के बाद जो राहु रूपी जीवन में आपके कचरे चल रहे हैं, राहु रूपी कचरे का मतलब है कि जो परेशानियां हैं वो परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। मोर पंख धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और उनके सेवक का आपके ऊपर में पूर्ण रूप से मेहरबानी मिलती है, अर्थात दोस्तों आपके ऊपर जल्दी मेहरबान होते हैं, आपको सभी प्रकार के भौतिक संसाधन प्रदान करते हैं और मोर पंख धारण जैसे आप करते हैं चांदी का बना हुआ, तो भगवान कार्तिकेय जो कि देवताओं के सेनापति है, इनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, अर्थात ये आपको आशीर्वाद देते हैं। आप जानते हैं भैया, ऐसी आपने अब जैसे कि वीडियो में पहले ही बताया है कि गुरुजी आप हमें चूर्ण के बारे में बताएं, झड़ी के बारे में बताएं, तो कौन सी ऐसी झड़ी है जिसे इस दिन खाने से बुद्धि तीव्र होती है? तो दोस्तों मैं जिस झड़ के बारे में बता रहा हूँ, इस झड़ का नाम है, इस पौधे का नाम है ब्राह्मणी, और इसके बारे में मैं आप लोगों को कई वीडियो बता चुका हूँ। ब्राह्मणी का चूर्ण एक ऐसा चूर्ण है, ब्राह्मी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे अगर लगातार 6 महीने तक बिना गैप किए अर्थात छोड़े हुए खाया जाए लगातार 6 महीने तक, तो व्यक्ति को वक सिद्धि की प्राप्ति होती है। वक सिद्धि के साथ साथ व्यक्ति को भूत भविष्य देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मैं तो दोस्तों आप सभी लोगों को इतना कहना चाहूंगा, जो ब्राह्मणी का चूर्ण है पौधा है, कोई साधारण पौधा नहीं, इसकी चूर्ण कोई साधारण चूर्ण नहीं, बस मार्केट में मिलने वाली जो ब्राह्मणी का चूर्ण होता है इसमें मिलावट होती है। सो आपको ओरिजिनल सही ब्राह्मी का पौधा चुनना है और इस पौधे को ला करके सुखा करके आप जो है इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद अगर आप अपने बच्चे को बसंत पंचमी के दिन केवल एक ही बार इस दिन खिला देते हैं, तो आपके जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर है वो बिल्कुल ही मजबूत हो जाएंगे, उनके बुद्धि तीव्र हो जाएगी। और अगर इस दिन से ब्राह्मी का चूर्ण 1 महीने तक अगर आप अपने बच्चे को खिला देते हैं, तो उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वह कंप्यूटर जैसे फास्ट हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। ब्राह्मणी का चूर्ण जो है, इससे आप जो है अपने बच्चे को दूध के साथ में खिला सकते हैं, आधा चम्मच लीजिए, छोटे बच्चे तो आधा से भी थोड़ा सा कम ले लीजिए, बड़े अगर है तो आधा चम्मच दे सकते हैं। तो दूध के साथ में इसे पिलाना होता है, या फिर आपके घर में दूध नहीं है तो एक काम करना, शुद्ध जो शहद होता है जिसे हम हनी या मधुरस बोलते हैं, ये ले लीजिए और इसमें ब्राह्मणी का आधा चम्मच चूर्ण को मिला लीजिए और ये दोनों को मिक्स कर लीजिए, एक लेप जैसा बन जाएगा। फिर आप जो है अपने बच्चे को इसे चटाए, तो इसके खाने के बाद हमारे वनस्पति शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, जो भी व्यक्ति इसे खाता है उनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, कंप्यूटर जैसी फास्ट हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। तो बसंत पंचमी का दिन अगर ब्राह्मणी का चूर्ण खिला दिया जाए तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, लाख गुना बढ़ जाता है। तो बसंत पंचमी दिन आप अपने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, उनकी बुद्धि की विकास के लिए, उनके एक प्रकार के हम बोल सकते हैं सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने के लिए आप जो है ब्राह्मणी का चूर्ण जरूर खिलाएं। ब्राह्मणी का चूर्ण अगर आपको मिल नहीं पा रहा है, अचानक से कभी कभी ऐसा होता है ना कि समय के अभाव में ये नहीं मिल पाते, तो ब्राह्मी का पौधा आप जो है ढूंढिए, ब्राह्मणी के पौधे का रस निकालिए, पंचांग का रस इसके निकाल लेना और 2 चम्मच की मात्रा में अपने बच्चे को पीला देना, तब भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना चूर्ण से मिलेगा। तो बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है उसमें विकास होगा। और बसंत पंचमी दिन में सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, माता सरस्वती की इस दिन पूजा करना। हमने वीणा और मयूर के बारे में बताया है, ये दोनों में से एक चीज अवश्य धारण करना दोस्तों, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और आप खूब अध्यात्म उन्नति करेंगे। दोस्तों बसंत पंचमी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग की वजह से इस बार की बसंत पंचमी और भी ज्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, वास्तु आरंभ, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना जाता है, और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों कहा जाता है कि इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था,
तो सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु इस दिन रति मदन की पूजा और प्रार्थना की जाती है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती है। वे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। इस दिन माँ सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु वाद्य यंत्र और किताबें रखकर उनकी भी धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है। माघ माह की तिथि यानी बसंत पंचमी की तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर से 2:41 पर हो रहा है, जबकि पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। 14 फरवरी को उदया तिथि में पंचमी तिथि होने के कारण इस वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक का समय शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त पर माँ सरस्वती का ध्यान करने से शुभ फल ही प्राप्त होता है। बल, बुद्धि, विद्या और घर में सुख समृद्धि तथा बच्चों के विकास के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए अमृत तुल्य है। दोस्तों, इस दिन पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री सूत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है, असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वो विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आपको माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाएं, इससे जीवन में सरसता और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। कार्यकुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा में करें मोरपंख का ये उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर दबाएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता सरस्वती। माता सरस्वती आपके मुख से निकले हर बोल को अवश्य सच करेगी, परंतु वो बोल शुद्ध आचरण के होने चाहिए, यानी मीठे बोल और सच्चे। दोस्तों, मोरपंख को धर्मशास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोरपंख जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उसे कहीं ज्यादा ये प्रभावशाली होता है। मोरपंख में देवी देवताओं का नवग्रहों का वास माना जाता है। इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोरपंख का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का पूजन किया था। तभी से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजन में मोरपंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपटन लगाए, फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उससे स्नान करें, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, फिर अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में माँ सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पूछे, फिर माँ सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाए, सुगंधित धूप बत्ती जलाए, माँ को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद माँ सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन, माथे पर तिलक लगाए, माँ को सफेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर माँ सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं।
आप बूंदी का भी भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद माँ सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। इस मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को माँ सरस्वती से कहे और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपको प्रयास के अनुरूप फल प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती, आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोरपंख प्रसाद के रूप में ले लें। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है, नौकरी कारोबार में उन्नति पद प्रतिष्ठा मिलती है, सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ऐसा मोरपंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा इसे अपने पास रखता है, उसे हर काम में तकदीर का साथ मिलता है। अपनी जेब में या डायरी में या फिर गाड़ी में मोरपंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोरपंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे धन विषयक हर समस्या दूर हो जाएगी, अड़चने दूर होकर व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए आप अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख लगाएं। इससे रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े क्लेश कला होते रहते हैं, परिवारजनों की आपस में नहीं बनती, तो समझ जाए आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद ना मिलना, मन में किसी बात का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन, बारात जाना, कार्य में मन नहीं लगना, ये सभी नकारात्मक शक्तियां के वास होने के ही लक्षण हैं। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियां से निजात पाने के लिए माँ सरस्वती को अर्पित किए हुए मोरपंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नजर पड़े। ये गलत नजर को नष्ट कर देता है, सोख लेता है, खींच लेता है और सकारात्मकता का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं, जहां आने जाने वाला हर कोई उसे देखे। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां को नष्ट कर सकारात्मकता बढ़ाता है। दोस्तों, ये मोर पंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाए। अगर घर में कोई वास्तु दोष होने की आशंका है, तो इससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दे। मोर पंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। वसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है, तो इस बसंत पंचमी पर ये उपाय जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। दोस्तों, अगर आप वाकई में PIH लिखकर कुछ करना चाहते हैं, तो माँ सरस्वती का ध्यान अवश्य कर ले, माँ का जयकारा अवश्य लगा ले। कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता सरस्वती बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एक लायक तो बनता है।